नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। पूरे देश भर में जहां एक तरफ 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं इस बीच मध्य प्रदेश में अब साइबर हमले का भी अंदेशा जताया गया है। साइबर पुलिस मुख्यालय ने दरअसल एक थ्रेट अलर्ट जारी किया है और उसमें ये आशंका जताई है कि जो मध्य प्रदेश के प्रिंट और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर चैनल हैं, उन्हें साइबर ठग या फिर जो साइबर अपराधी हैं वो निशाना बना सकते हैं, वेबसाइट को हैक कर सकते हैं या फिर इंटरनेट नेटवर्क को हैक करके आपत्तिजनक अलगाववादी वीडियोस हो या फिर अन्य देशों का झंडा उसे अपलोड कर सकते हैं। साइबर पुलिस मुख्यालय ने 13 अगस्त की शाम ये अलर्ट जारी किया है। सभी प्रिंट और डिजिटल मीडिया और इसके अलावा जो चैनल हैं उन्हें ये अलर्ट भेजा गया है और उनसे सतर्क रहने की अपील की गई है। जो अलर्ट साइबर पुलिस मुख्यालय की तरफ से भेजा गया है उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि खुफिया एजेंसियों के साथ जो सूचना उन्हें मिली है और इसके साथ ही जो तकनीकी विश्लेषण और थ्रेट एनालिसिस जो समय समय पर किया जाता है, कोई भी महत्वपूर्ण त्योहार जो होते हैं उस दौरान या फिर आजादी का जो पर्व है उस दौरान साइबर की तरफ से या खुफिया एजेंसियों की तरफ से, उसके आधार पर ये अनुमान लगाया गया है कि जो डिजिटल और प्रिंट मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं और साथ ही में जो चैनल हैं उनके इंटरनेट नेटवर्क को हैक करके अन्य देशों के झंडे या फिर अलगाववादी वीडियो को पोस्ट किया जा सकता है ताकि वो वायरल हो जाए और देश में उस समय एक ऐसी स्थिति बन जाए जो एक नए विवाद को जन्म दे। इसके साथ ही साइबर पुलिस मुख्यालय ने बाकायदा कुछ गाइडलाइन जारी की है, कुछ सुझाव दिए हैं मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि वो कैसे इस खतरे से खुद को बचा सकते हैं। साइबर पुलिस मुख्यालय ने जो सुझाव दिए उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि इंटरनेट नेटवर्क में फिजिकल फायरवॉल स्थापित अगर किया जाएगा तो काफी बेहतर होगा, इस तरीके के खतरे से बचा जा सकता है। इसके अलावा फायरवॉल नेटवर्क पर एक्सेस के लिए सुरक्षात्मक उपाय जो है वो किए जाएं, ये भी अपने सुझाव में साइबर पुलिस ने मीडिया हाउसेस को सलाह दी है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात कही गई है वो ये कि अभी फिलहाल जितने भी पासवर्ड उपयोग हो रहे हैं इंटरनेट नेटवर्क के लिए, उन सबको जितने जल्दी हो सके बदला जाए और एक नया पासवर्ड जो कि पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो, मजबूत हो, उसे बनाया जाए। जो एक और जो महत्वपूर्ण बात साइबर पुलिस ने कही है उसके मुताबिक जो इंटरनेट नेटवर्क एंटी ट्रोजन और एंटी वायरस का जो नया और अपडेटेड वर्जन हो वो जितने जल्दी हो सके इंस्टॉल कर लिया जाए। और सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो ये कि एक सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो मीडिया हाउसेस अपने इंटरनेट नेटवर्क का करवाए ताकि अगर कहीं किसी तरीके की कोई चूक हो या फिर कोई संभावना हो इंटरनेट नेटवर्क में सेंध लगाने की तो उसे समय रहते दूर किया जा सके।